नमस्कार, झरोका चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का निबंध धूल और उसकी समरी। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर राम विलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया निबंध धूल और उसकी समरी। जो धूल निबंध है वो हमारे सामने है। इसमें लेखक ने ये बताया कि गांव की सभ्यता और शहर की सभ्यता में क्या अंतर है। गांव में धूल को बड़ा महत्व दिया जाता है क्योंकि उसी धूल से, धूल जब नम होती है तो वह मिट्टी कहलाती है, सूख जाती है तो धूल कहलाती है। उस मिट्टी से अनाज उत्पन्न होता है। सूखी धूल में बच्चे खेलते हैं और अपना सारा शरीर धूल में लपेट लेते हैं और माँ और पिता उनके स्वरूप को देख करके प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है ये हीरे के कण हैं जो बच्चे के शरीर से लगकर बच्चे के सौंदर्य को और बढ़ा रहे हैं। सूरदास जी ने भी देखिए एक जगह लिखा है कि धूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। वहां धूल से भरे हुए कृष्ण कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये सूरदास का भी एक पद हमें बताता है। तो हमारी ग्रामीण संस्कृति में धूल बुरी वस्तु नहीं है, वह एक तरह से हमारे जीवन का हिस्सा है और इसलिए गांव में समय के एक विशेष हिस्से को गोधूली बेला कहकर पुकारा जाता है, उसका सम्मान है। बहुत से प्रदेशों में, खासतौर पर महाराष्ट्र में, विवाह भी गोधूली बेला में होना ज्यादा बेहतर माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। गोधूली बेला क्या है? जब गायें चरने के लिए घरों से जंगल की ओर जाती हैं, दिन भर चारा चरती हैं, घूमती हैं, टहलती हैं, बैठ के आराम करती हैं और फिर अंधकार होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले उन्हें घर लौटना होता है, तो सैकड़ों की तादाद में जब गायें घर लौटती हैं तो उनके चार चार पैरों से, अगर 100 गायें हैं तो 400 पैर हो गए, 400 पैरों के जमीन पर पड़ने और उठने से जब धूल उड़ती है और वायुमंडल में छा जाती है जिससे रोशनी फीकी पड़ने लगती है, सूर्यास्त से पहले ही सूर्यास्त होने लगता है गौधूली से, उस अवसर को, उस समय को, उस बेला को गोधूली बेला कहते हैं। तो इस तरह से बेला का, समय का नाम गोधूली से देकर के गोधूली, गौ के खुरों से उठने वाली धूल कहकर उसे सम्मानित किया गया। पर शहरी सभ्यता में ठीक इसका विपरीत भाव है। हमारे लिए, शहर के लोगों के लिए धूल बहुत बुरी चीज है और वो गंदगी है, उसमें जर्म्स और कीटाणु होने की धारणा हमारे अंदर गहराई से बैठी हुई है। शहर के हम लोग बच्चों को धूल में जाने नहीं देना चाहते, उसे शरीर में लपेटना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब तक धूल में बच्चा लिपटकर, गिरकर, उठकर, दौड़कर, खेलकर अपना बचपन नहीं बिताता, तब तक उसके अंदर आत्मविश्वास और उसका सहज विकास दोनों ही नहीं हो पाते, यह बात हम भुला बैठे हैं। धूल के लिए माता पिता और गुरुजनों के चरणों की धूल लेकर के, उनका आशीर्वाद मान करके,
और फिर किसी बेहतर काम के लिए निकलना एक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। पहलवान जब अखाड़े में उतरता है तो सबसे पहले अखाड़े की धूल को अपने माथे पर लगाता है, फिर अपनी कुश्ती लड़ने के लिए दांव पेंच दिखाने के लिए वह तैयार होता है। जब हम किसी पर नाराज होते हैं और उसका बुरा करना चाहते हैं तो कहते हैं कि धूल में मिला देंगे, अर्थात तुम्हें भी धूल की तरह जमीन पर पड़ी रहने वाली वस्तु के बराबर कर देंगे। और धूल में मिलाना भी एक पवित्रता का भी भाव है, इसके अंदर नकारात्मकता तो है ही, पर आप जिस धूल को माथे पे लगाते हैं उसमें हम किसी को मिलाने की बात कर रहे हैं, तो प्रकारांतर से उसका बुरा सोचते हुए भी बुरा नहीं सोच रहे होते हैं। तो इस तरह से ग्रामीण संस्कृति में, शहरी संस्कृति में जो धूल है, जो मिट्टी है सॉरी, उसके बारे में किस किस तरह की धारणाएं हैं, कैसे कैसे विचार हैं, कैसा कैसा उसके बारे में सोचा जाता है, लेखक ने इसको हास्य और व्यंग के साथ विभिन्न ग्रंथों से, परंपराओं से, कथाओं से उद्धरण दे करके इस बात को बहुत बेहतर तरीके से स्पष्ट भी किया है। गांव की धूल जीवन का हिस्सा होती है, पर शहरी शहर में धूल जीवन का हिस्सा नहीं होती। तो इस तरह से दो प्रकार का जो स्वरूप है, शहरी और ग्रामीण, वो लेखक ने इसमें अभिव्यक्त किया है। तो चरण धूलि लिए बिना जब हम अपने माता पिता का आशीर्वाद उसे मानकर कोई काम नहीं करते तो उसकी श्रेष्ठता भी अपने आप साबित हो जाती है। इसी बात को लेखक ने कई तरह से कहा है। तो लेखक का जो धूल के प्रति उनका विचार है, जो धूल की महत्ता है, उसको प्रतिपादित उन्होंने बहुत ही रम्य धड़ विधि से, ललित विधि से, जैसे रस में भीगी हुई भाषा हो उस तरह से यहां व्यक्त किया है। तो यह था रामविलास शर्मा जी के रम्य रचना निबंध धूल का सार। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस विषय के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हमें उसका उत्तर देते हुए खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।